भाई भाई मार मार वो रहा भाई मार जल्दी मार भाई वो उधर इधर इधर जा रहा मार मार जल्दी मार वो भाग 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 भाग। अबे तुम बिल्कुल ही पागल होते जा रहे पबजी चक्कर में है। अरे रुको यार देख रहे हो खेल रहे लबर लबर कर रहे हो। होमवर्क किए हो तुम ये बताओ पहले। पहली बात ना हमको पबजी से फुर्सत नहीं मिलती है और दूसरी बात हमारे पास इतना टाइम नहीं कि होमवर्क करें। नहीं किए हो ना अभी भुगतो के जब मास्टर साहब पेलेंगे ना तब पता चलेगा तुमको। ऐसा है तुम चिंता ना करो वो सब हम देख लेंगे। अभी तुम ये पबजी सब्जी बंद कर दो नहीं तो मास्टर ने देख लिया ना चटनी बना देगा चटनी। वाह विनर विनर चिकन डिनर मजा आ गया यार सुबह सुबह एक मैच जीता है। देखे देखे हमें भी दिखाओ कहाँ आ गया मजा। अबे तुम नहीं देख पाओगे पहले तुम पबजी खेलना सीखो समझे। नहीं नहीं हमको खेलना ही नहीं है हमारे पिताजी को अगर पता चल गया ना कि हम पबजी खेलते हैं तो उठा के घर से बाहर फेंक देंगे और हम ऐसा चाहते नहीं है। ये बताओ तुम्हारे कहने का क्या मतलब है हम ऐसा ही चाहते हैं कि हमारे पिताजी हमको घर के बाहर फेंक दें है। अबे तुम बिल्कुल ही उल्टी खोपड़ी के हो। बीबी वो देख काजल आ गई। आ गई तो हम क्या करें बचपन का प्यार तुम्हारा है। पहले दिन ही इतना बुरा हाल केवल 3 लोग आए कोचिंग में। ये कहो घर से भगा गए तो हम भी आ गए नहीं तो हम भी ना आते। क्या 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 बोले तुम फिर से बोलना जरा। मास्टर साहब ये कहो घर से आने दिया तो हम भी आ गए। बहुत दिनों के बाद क्लास में पढ़ाई होने जा रही है पूरे 1.5 साल हो गए कोचिंग बंद हुए। हैं सर जी पूरे 1.5 साल हो गए आज से। सर जी लेकिन एक बात है ऑनलाइन पढ़ने में मजा और समझ में बहुत आता है। हाँ हाँ वो तो हमको पता तुम्हें कितना समझ आता है। गणित के पेपर में गुड़ गोबर किए पूरी जान लगा दी 2 नंबर से ज्यादा नहीं बन रहे तुम्हारे। अरे सर जी झूठ ना बोलो ऐसा कैसे हो सकता है हमने पूरा पेपर हल किया है। बेटा तुम मजे ही लेते रहे हो तुमने पढ़ाई नहीं करी है इससे यही समझ आता है हमको। सर जी मेरे कितने नंबर आए हैं हमें भी बता दो। बेटा तुम्हारे तो कहने ही क्या है 1 नंबर से बच गए फेल होते होते। पढ़ाई लिखाई सब चौपट है तुम्हारी। सर जी मेरे भी नंबर बता दीजिए। बेटा तुम परेशान ना हो तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर हैं। हैं हैं इनके तो जरूर होंगे घंटे में 10 रील्स अपलोड करती है ये। इधर तुमसे मतलब मतलब है तभी तो बता रहे हैं। तो तुम भी मेहनत करो ना अच्छे नंबर लाओ दिन भर तो पबजी में घुसा रहते हो तुम। सर जी पहले तुम ये बताओ तुमने काजल को कैसे पास कर दिया। काजल ने मेहनत करी है एक भी सवाल गलत नहीं है बिल्कुल सही सही किया इसने तो पास कर दिया। वाह मास्टर साहब तुम बहुत कलाकार हो। अबे वे इसमें वाह करने वाली कौन सी बात है तुम गधे हो तो सबको अपनी तरह समझते हो हैं। मास्टर साहब तुम बकलोली ना करो पढ़ाना हो तो पढ़ाओ नहीं तो हम घर जाके ऑनलाइन पढ़ लेंगे। हाँ हाँ जाओ जाओ किसने रोका तुमको जिंदगी भर कट्टा साथ में ही पढ़े रहोगे कोई माई कलाल तुमको पास नहीं करा पाएगा। ऐसा है तुम उसकी टेंशन ना लो कोरोना की 3री लहर आने वाली है वही पास करा देगी हमको हम प्रमोट हो जाएंगे। हे भगवान ऐसे बच्चों का क्या होगा तुम लोग क्या बैठे हो तुम भी जाओ ऑनलाइन ही पढ़ना 2 बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। चलिए जाइए अपने घर।